हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारा इस टॉपिक का क्या मतलब है। इस टॉपिक का ये मतलब है कि इम्प्लॉइज के रेफरेंस में जो भी हम डिसीजंस, जो भी हम ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं, ये टॉपिक उसी को लेकर ही है। क्योंकि जब भी हम मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि इंडिविजुअल क्या चाहते हैं, हमारी इंप्लॉइज क्या चाहते हैं। क्योंकि जो भी हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो इंप्लॉइज के रेफरेंस में जरूर होना चाहिए। हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हमें इंप्लॉइज को सेटिस्फाई कैसे करना है, क्योंकि इंप्लॉइज हमारी कंपनी का, हमारी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमने इंप्लॉइज को सेटिस्फाई कर दिया तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलेगा, काफी लंबे समय तक हम सर्वाइव कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म हमारे प्रॉफिट होने वाले हैं, बिजनेस हमारा ग्रोथ करने वाला है। तो डेफिनेटली इंप्लॉइज हमारी कंपनी का, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप डिसाइड करो उससे पहले इंप्लॉइज का खास तौर पे ध्यान रख लो, क्योंकि इंप्लॉइज जिनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, जिनके अंदर विवेक होता है, इंप्लॉइज को पता होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, किस सिचुएशन में क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या नहीं करना है। तो इंप्लॉइज देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंप्लॉइज को लेकर फिक्स करने होते हैं? सैलरी को लेकर, उन लोगों को सैलरी टाइम पे मिल जाए, उन लोगों को सैलरी प्रॉपर मिल जाए, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो उसको अवेलेबल हो, बोनस टाइम पे मिले, फ्रेश इन्वायरमेंट मिले, जहां पर वो काम कर रहे हैं उनको वहां पर प्रॉपर पानी मिले, हवा मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, हमें ध्यान रखना होगा। उनको टाइम से बोनस मिले, प्रॉफिट में उनको हिस्सा मिले, उनको कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए। मतलब अल्टीमेटली हमने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं जो इंप्लॉइज के रेफरेंस में होते हैं, इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए होते हैं। क्योंकि इंप्लॉइज को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो इंप्लॉइज हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बहुत काम आने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूं। उनको सैलरी अच्छी मिले, वेजेस देनी है तो वेजेस अच्छे से दें, फ्रेश इन्वायरमेंट मिले, उनको बोनस मिले, जिसको प्रमोशन की जरूरत है उसको प्रमोशन बिना बोले ही उसको प्रोवाइड कर दें। क्योंकि काफी लंबे समय तक कुछ लोग हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, डेडिकेशन उनके अंदर पूरी होती है, तो हमें चाहिए कि उन लोगों को हम क्या कर दें, प्रमोट कर दें। फिर प्रॉफिट में उनको हिस्सा दे दें, प्रॉफिट में अगर हम अपने इंप्लॉइज को हिस्सा देंगे तो इंप्लॉइज को क्या लगता है कि कंपनी मेरी है, मैं कंपनी का हूं, कंपनी मेरे बेनिफिट के लिए सोचती है, तो डेफिनेटली वो इंप्लॉय हमारी कंपनी को भी छोड़कर नहीं जाने वाला है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट के कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। हम वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक क्यों लेकर आए हैं, इंप्लॉइज से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, इंप्लॉइज के बेनिफिट में जो बातें होती हैं, हमें उनका खास तौर पर ध्यान रखना होता है। क्योंकि इंप्लॉइज हमारी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इंप्लॉइज ही नहीं है तो आप क्या करोगे, कैपिटल का क्या करोगे, मशीनों का क्या करोगे, बिल्डिंग का क्या करोगे, जमीन का, ये सारे रिसोर्सेज तभी अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं जब हमारे पास इंप्लॉइज हैं। तो इंप्लॉइज की अब्सेंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंप्लॉइज को मैनेज करना, उनके फायदे का ध्यान रखना, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने इंप्लॉइज को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर ही लेते हैं। तो यही था हमारा सिंपल सा टॉपिक। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, उन वीडियोज के लिंक आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम और अच्छे से स्टडी करेंगे।